हेलो दोस्तों, एकदम बेटा चाय विवेक के ब्रदर्स। मेरा नाम है विशु। मेरा नाम है वैदी। दोस्तों हरीरा के लिए आज हम बीज बोएंगे। सावन की पूजा का विशेष महत्व पहाड़ों में होता है। जगह जगह हर घर में हरीरा बोया जाता है, शायद कहीं और कहीं नहीं होता है, सिर्फ ये पहाड़ों में होता है। पहाड़ों में शिव और पार्वती का ब्याह रचाया जाता है। हमारे उत्तराखंड को पार्वती का मायका माना जाता है, जिससे इसका बहुत अधिक महत्व हो जाता है कि ये शिव जी की ससुराल है। हर प्रकार के अलग अलग बीज इसको हम मिला के इसे बोते हैं। पहले जमाने में कोई विशेष तो होता नहीं था, लोगों को मालूम भी नहीं होता था कौन बीज अच्छा है कौन खराब है। ये एक किस्म से गुणवत्ता भी इससे परखी जाती थी और लोग जगह जगह बीज बोते थे और जिससे कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज वो अपने खेतों में लगा सके। देखिए दोस्तों, हमने 7 किस्म के बीज ले रखे हैं जिनको अभी हम बोने जाएंगे। हमने घर की मिट्टी ले रखी है। दोस्तों हमने एक मिठाई का डिब्बा लिया है बिल्कुल सफा। और मैंने एक टोकरी ली है छोटी सी। दोस्तों हम इसमें पत्ते बिछाएंगे। फ्रेंड्स अब हम थोड़े से पत्ते बिछाएंगे। फ्रेंड्स ये मैंने आम के पत्ते इसलिए बिछाए कि मिट्टी बाहर ना निकले। हरेला रखने की स्थापना करेंगे। फ्रेंड अब मैं इन दोनों में मिट्टी डालता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे खेत की मिट्टी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास ये हो तो ये जरूर लिए, इससे आसानी होती है मिट्टी डालने में। फ्रेंड्स इससे हाथ भी साफ रहते हैं। दोस्तों ये वो बीज है जिनकी अभी बोयाई होती है। मकई, काली दाल, धान प्रकार के बीज का मिश्रण होता है। अब मैं इस बीज को मिट्टी में डाल रहा हूँ। अभी हम फिर पानी भी डालेंगे। मिट्टी को और बीज को हम दो बार डालते हैं ताकि कहीं कोई गलती न हो। फ्रेंड अब मैं मिट्टी डालूंगा। हम बीज डालते हैं दोबारा। हाँ हम मिट्टी से ऊपर ऊपर थोड़ा डालेंगे। अगर बीज कतरे थोड़ा इधर उधर जमीन में गिर जाए तो उसको उठा के इसमें नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ये सब शिव जी का प्रसाद माना जाता है और शिव जी की शादी की ये घोषणा होती है। फ्रेंड अब हमने 7 बीज इसमें बो दिए हैं। फ्रेंड अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूँ। फ्रेंड अब हम आरती करेंगे। दोस्तों अब हम फूल चढ़ाएंगे। दोस्तों हम बिठिया गल लगाएंगे। फ्रेंड अब मैं रोज चढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड अब हम दुपट्टे से इसे ढक देते हैं।
अब इसे हम रोज थोड़ा थोड़ा पानी देके करेंगे और इसको नवमी के दिन थोड़ी गुड़ाई करके ये काफी अच्छा हो जाता है। और नवमी के दिन इस बीज को बीज में पत्ते काफी अच्छे हो जाते हैं, उसको काट के हम सारे घर भर में इसकी इसको लगाते हैं। आप पूजा होके हमारे सिर में रखते हैं और कान में ऐसे करके लगाते हैं और हमें पैसा मिलता है। आप मिट्टी के ढिगरे बना के यहाँ रखेंगे। हाँ।